एमपी एमएलए कोर्ट ने अतीक अहमद सहित उसके दो साथियों को उम्र कैद की सजा सुनाई, 1-1 लाख के अर्थदंड से भी दंडित किया। अतीक के भाई अशरफ सहित अन्य आरोपी बरी किए गए। उमेश पाल किडनैपिंग केस में अतीक अहमद सहित दो आरोपियों को सजा सुना दी गई है। एमपी एमएलए कोर्ट का बड़ा फैसला। आज सुबह से ही इलाहाबाद में काफी चहल पहल, चारों तरफ से कोर्ट को सील कर दिया गया था, आसपास लोगों का जमावड़ा था। आखिर एक बड़े मामले में फैसला जो आने वाला था, ये बड़ी खबर इलाहाबाद से निकल कर आई है। अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, 3 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा हुई है। उमेश पाल की पत्नी जया पाल ने कहा, मैं कोर्ट से उम्मीद करती हूं उसको फांसी की सजा दिलाई जाए, जब तक जड़ खत्म नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो पाएगा, हम डर के साए में जी रहे हैं। उधर प्रयागराज में उमेश पाल के आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 2006 के उमेश पाल अपहरण मामले में मुख्य अभियुक्त माफिया अतीक अहमद समेत 3 अभियुक्तों को एमपी एमएलए कोर्ट के जज डॉक्टर दिनेश चंद्र शुक्ल ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जबकि 7 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। उमेश पाल की 24 फरवरी को पहले प्रयागराज में हत्या हो गई थी। उमेश पाल के परिवार ने कोर्ट में माफिया अतीक के खिलाफ मृत्युदंड की मांग की। वहीं कोर्ट परिसर के बाहर काफी ज्यादा भीड़ मौजूद रही, वकील लगातार अतीक के विरोध में नारेबाजी कर रहे थे। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, 3 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा हुई है। एमपी एमएलए कोर्ट ने उमेश पाल अपहरण मामले में सजा सुनाई, 1-1 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। अतीक अहमद, दिनेश पासी व खान शौकत हनीफ दोष सिद्ध पाए गए। शौकत हनीफ को अन्य धाराओं के साथ 364 में व अतीक अहमद व दिनेश पासी को 147, 148, 149, 341, 342, 364 ए, 120 बी में दोष सिद्ध पाया गया। अशरफ सहित सभी दोष मुक्त किए गए। उमेश पाल किडनैपिंग केस में अतीक दोषी, बड़ी खबर निकल कर आई है इलाहाबाद से। कोर्ट परिसर में वकीलों ने लगाया फांसी दो के नारे। अतीक समेत 3 आरोपी मामले में दोषी पाए गए। अतीक का भाई अशरफ दोष मुक्त किया गया। अतीक, दिनेश पासी, शौकत हनीफ दोषी, कुल 10 आरोपियों में 3 आरोपी दोषी मिले। 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया। पूरे मामले को लेकर हमने अतीक के वकील से भी बात की थी, सुनाइए हैं आपको उन्होंने क्या कुछ कहा था। अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है, तो क्या उम्मीद है? साबरमती जेल से आ रहा है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन यही रहेगा कि जो मैंने अब तक कहा है कि मेरे आदमी की हत्या करवाने में इन सबका हाथ रहा है, तो मैं बार बार उनसे कहूंगी कि उन्हें कड़ी दंड दिया जाए और उनके जीने का हक बिल्कुल छीन दिया जाए। वो जब तक रहेंगे तब तक कुछ न कुछ होता रहेगा और कोई ना कोई उमेश पाल ख़त्म होता रहेगा, इसलिए उनका खात्मा ज़रूरी है। अतीक अहमद कह रहा है कि मारना चाहते हैं सब लोग। जब तुम मारने में पीछे नहीं रहो, हम तुमको मरवाएं तो क्या दिक्कत है? तुमने भी तो किसी का, मैंने मेरा सुहाग उड़ाया, उजाड़ा, मेरे बच्चे यतीम हो गए, मेरा परिवार छिन्न हो गया। आज इन इसका जो ये कार्य इसने किया है तो इसका हक कौन जिम्मेदार है? वो खुद है ना, उसका ही दिया हुआ आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मैंने क्या बिगाड़ा था? मैंने कुछ बिगाड़ा था या मेरे आदमी ने बिगाड़ा था? कलम से लड़ रहा था, तुम भी कलम से लड़ते, और इस तरह से करके तुमको डर लग रहा है तो भगवान करे तुमको उसी तरह का तुम काँप काँप के मरो, मेरी बद्दुआ लगे तुमको। अच्छा है, भगवान करे उस तरह हो कि तुम्हारा खात्मा हो, तुम्हारा पूरा घर परिवार सर्वनाश हो जाए। गाड़ी पलटे या ना पलटे उसको ख़त्म हो जाए, भगवान करे वो ख़त्म हो जाए, पर नहीं चाहते कि वो रहे, अगला कोई आदमी ख़त्म हो। इस तरह से समाज हमारा इस आदमी से पीड़ित है,
इसको खत्म करना जरूरी है। क्या लग रहा है, न्याय मिल रहा है? मुझे बाबा जी पे भरोसा है कि वो मुझे न्याय दिलाएंगे। ये बताना एकदम से असंभव है जी। सर, तो क्या अगली रणनीति क्या होगी यहाँ से आज के बाद? निर्णय के बाद रणनीति होगी। मतलब आप लोगों ने ये तैयारी कर ली है कि अगर फैसला पक्ष में नहीं आता तो इसे ऊपर की अदालत में चुनौती देंगे? मैंने बताया ना कि ये अपील का अधिकार है।